हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों को स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं कार फोर सेल सिमुलेटर। और तुम्हें मैं बता दूं, यहाँ पे मैं आया था और जो ये गाड़ी देख रहे हो बक ड्रैगर, इसकी ना भाई ये बैट लगा रही है हमारी सुपरा से, वो भी गाड़ी की। तुम सोच सकते हो गाड़ी की बैट लग रही है यहाँ पे। तो मैंने अभी ना इसको हाँ कर दिया कि हाँ गाड़ी तुम जी सकते हो, बट पहली बार देख रहा हूँ कि बैट ड्रैगर की रेस सुपरा से, वो भी कार की। मतलब सेम कार्स होती थी तब बैट्स लगती थी, बट यहाँ पे डिफरेंट कार है तब भी बैट लग रही है, पता नहीं कैसे ही है। बट चलो कोई बात नहीं, अभी सुपरा वर्सेस बक रैगर होने वाली है, काफी ज्यादा इस रेस में मजा आएगा। तो चलो ये रेस तो बनती है ना, तो ठीक है गाइस, फाइनली अभी ना अपने शोरूम में, दो मिनट सॉरी, अपने ट्रैक पे लेके चलते हैं इस लाइन पे, एंड इस रेस को हम अच्छी तरह जीतेंगे। एंड थोड़ी सी चीजें हैं वो फॉलो करेंगे। आप पता क्या कोशिश करेंगे कि हम स्टार्टिंग में बूस्ट नहीं मारेंगे, आधे बीच में मारेंगे भाई। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए थोड़ा बूस्ट मार रहा हूँ मैं, अभी मार रहा हूँ, अगले वाली रेस में नहीं मारेंगे। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कितनी रेस में जाने वाली है। ठीक है, अगला गियर पा लेते हैं हम, डर यहाँ गुड शिफ्ट अला और हम आगे ही हैं। ठीक है, 10 पॉइंट कितने सेकंड में जीते हैं, 10.9 सेकंड में, तो इसको मेरे को कम करना है थोड़ा। तो ठीक है गाइस, बक रैगर हम जीत चुके हैं फाइनली, पहली बार रेस लगी और डिफरेंट कार थी। बट मजा पता क्या आया कि वो कार दोनों बैट में लगी थी भाई, मजा आ गया इस करके। तो ठीक है, मैं वैसे सुपर अपनी ब्लैक वाली हार जाता, काफी ज्यादा दुख होता। और एक सेकंड, यहाँ बक रैगर तो जीत चुका हूँ, बट यहाँ पे एक और कार है। ठीक है, ये कार है ऑडी R8 और यहाँ पे देखो इसका बैट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब कि बैट में इसने कार नहीं लगाई। तो ठीक है भाई, ट्राई करते हैं बार बार, क्या पता ये अपनी बैट में कार लगा ले। और इसका बिना हम मैच कराएंगे सुपरा के साथ, ज्यादा लगा नहीं रही, बट इसकी जो बैट है ठीक है 8000 की बैट लगा लेते हैं। देखो यार, ये गाड़ी तो नहीं लगा रही बैट पे, बट जिससे हम पहले सुपरा के लिए लड़े थे बक रैगर से, उसने भाई अपनी गाड़ी लगा दी थी पूरी की पूरी। तो चलो अभी के लिए हमारी रेस होने वाली है सुपरा वर्सेस ऑडी R8। तगड़ी तगड़ी रेस है आज, तो मजा आ रहा है आज रेस करने में। सही में मैं तो गाड़ियां कलेक्ट कर रहा था, मैंने सोचा काफी सारी गाड़ियां कलेक्ट करेंगे देन फिर एपिसोड बनाएंगे, बट यहाँ पे जो गाड़ियों की रेस हुई है उसमें काफी ज्यादा मजा आया। तो ठीक है गाइस, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ना हाफ टाइम में थोड़ा सा पीछे रह के हम हाफ से भी इसमें ना वो बूस्ट वगैरह देंगे, देन कोशिश करेंगे इस गाड़ी से विन करने की। 2 1 लेट्स गो। तो चलो गाइस, फाइनली यहाँ देखो मैंने बूस्ट नहीं दिया, एंड फर्स्ट गियर के बाद इसमें बूस्ट देंगे, डन। तो ठीक है गाइस, अभी रेस बढ़ाने के लिए मैंने बूस्ट दिया, एंड थर्ड गियर ठीक है गुड टाइम पे डाला है, फोर्थ गियर डन गाइस। और यहाँ पे देखो 10.2 सेकंड में हम पहुंचे हैं, मतलब कि कार बढ़िया चल रही है सुपर अपनी भाई। 10.2 सेकंड्स बहुत होता है, इतना होता है कि हम एक मस्टा से साइज से जीत भी सके। अपनी सुपरा ने इतना करके दिखा दिया है, मतलब हाफ से पहले मारे अगर बूस्ट तो बेस्ट है। रेस में जो स्पीड है ये तगड़ी पकड़ेगा। और एक सेकंड, यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी है भाई सुपरा के साथ, आज सारी तगड़ी तगड़ी कार्स की रेस हो रही है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलो अभी के लिए देखते हैं क्या ये रेस हम जीतेंगे, क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी के साथ रेस है और लैम्बोर्गिनी में बूस्ट है। वैसे ऑडी R8 में बूस्ट नहीं है, बट ये जो रेस वगैरह होती है ना इसमें ऑडी R8 में शायद से बूस्ट ये लोग मार सकते हैं, बट हम नहीं मार सकते ऑडी R8 में। पर कोई बात नहीं, अभी लैम्बोर्गिनी के साथ रेस है और हम अपना वही फॉर्मूला आजमाएंगे जो कि हाफ से है, क्योंकि ये बैट वाली रेस है, कोई गाड़ी की रेस नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो चलो अभी के लिए मैं जल्दी से ना इस रेस को जीतता हूँ इस लैम्बोर्गिनी से। लैम्बोर्गिनी से काफी फास्ट कार है, बट हम अपने तरीके से चलाएंगे अपनी कार। तो चलो अभी के लिए ना लाइन पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि कार ही तुम्हें पता है काफी ज्यादा फास्ट जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन में आ चुका हूँ एंड अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो चलो गाइस, फाइनली रेस स्टार्ट हो चुकी है और मेरे को हाफ पे मारना है। ठीक है, डन। अभी लैम्बोर्गिनी मेरे पास नहीं है और वो भी ना बूस्ट यहीं पे आके मारेगा गाड़ी। वो देखो बूस्ट कितनी जल्दी मारा है, डन। एक और रेस एंड एक लास्ट स्पीड, ठीक है, बेस्ट टाइम पे। ओ भाई, 10 सेकंड में हम ये रेस जीते हैं भाई, 10 सेकंड में हमने लैम्बोर्गिनी को भाई 12 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड से हरा दिया है हमने। क्या बात है यार, मतलब सुपरा इज द बेस्ट कार और ये ना हमें याद रहेगा। अब बस मैं ना निसान GTR जैसे इन सारी से रेस लगेगी तो थोड़ा ना आगे जाके इस बारी मारा करूंगा, जब फर्स्ट गेयर डालूंगा देन तभी अब बूस्ट डालूंगा, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो मैं तीनों कार से अपनी सुपरा से जीत चुका हूँ भाई, क्या बेस्ट कार है। ऑडी R8 हरा दी, लैम्बोर्गिनी हरा दी एंड हमने बैक रैगर को भी हरा दिया, और बैक रैगर तो हम ले आए हैं अपने शोरूम में। तो चलो अभी के लिए भाई देखो, गाड़ियां वगैरह रिपेयर करवानी है चल के अपने शोरूम में, एंड अभी ऐसे बैक रैगर ही है, बाकी मैंने कुछ गाड़ियां रिपेयर करवा के अपने शोरूम में खड़ाई है सेल करने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज अपनी एक गाड़ी का प्राइस देखा जाए, जो ये अपनी तगड़ी सी कार है। तुम्हें पता है हम जो लेरारी लेके आए थे, लेरारी क्या नाम है भाई, फेक नाम क्या चूज करके रखा है, इसका नाम है फरारी F XXX,
तो वो वाली कार, ये वाली, ये दोनों कार्स को हम लेके आए थे। तुम्हें पता है एक रेस में जीता था मैं कार, एक ऑप्शन से लेके आया था। इनका ना आज प्राइस पता करूंगा कस्टमर से कि ये कस्टमर इनका प्राइस क्या ऑफर कर रहे हैं। अभी के लिए हम ये वाली कार लेके चलते हैं बनवाने के लिए। तो चलो अभी ना मेरे को शोरूम में चलना है और इस कार को बनवाना जरूरी है क्योंकि इसको भी मेरे को ना सेल करना है और इसका पेंट वगैरह हम करवा देंगे ब्लैक। और हाँ तुम्हें एक अपडेट देता हूँ मस्त सी, तो तुम्हारे लिए एक अपडेट है जो मोबाइल में गेम को खेलना चाहते हैं। तो जल्द ही ये गेम आने वाली है मोबाइल वर्जन। हाँ भाई उन्होंने अनाउंस कर दिया है क्योंकि काफ़ी कॉपी गेम्स बन चुकी थी इनके उसमें, तो वो चाहते हैं कि वो अपने खुद की गेम लेके आए मोबाइल वर्जन, एंड मोबाइल वर्जन में ग्राफिक काफ़ी बढ़िया होंगे उस गेम के। तो वेट करना भाई, काफ़ी तगड़ी गेम आने वाली है इन कार फॉर सेल की। और इसके तो अभी अपडेट भी आने बाकी हैं शोरूम वर्जन, एंड शोरूम का जब अपडेट आएगा ना देन हम स्टार्टिंग से इस गेम को खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देता हूँ और इसके जो टायर्स हैं वो फुल्ली अपग्रेड कर दे रहा हूँ सस्पेंशन। पता है क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा GT5 वगैरह में ना इनके टायर्स ना ऐसे उठे उठे रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है कार, तो इसलिए मैंने इसके सारे के सारे टायर ऊपर कर दिए, मतलब टायर नीचे कर दिया, बॉडी ऊपर कर दी है। तो ठीक है गाइस अभी के लिए जल्दी चलता हूँ मैं शोरूम में एंड इस कार को भी चल के खड़ाता हूँ। नेक्स्ट डे अब काम रह जाएगा थोड़ा बहुत जो वो करना है, और अभी से ऐसे ऑक्शन वगैरह पे भी चलना है। और यहाँ पे यू हैव अनपेड, बिल कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे ना हम पे कर देंगे। और यहाँ पे मैंने दो गाड़ियाँ लेके आया था, फियात और फरारी, तो इन दोनों का भी भाई कुछ ना कुछ करना है। तो ठीक है गाइस अभी के लिए डन, हमने चार गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ाई हैं और अभी इनको भी सेल पे लगाना है। इनको सेल पे लगाऊंगा बट उससे पहले हम देखेंगे अपनी जो ये न्यू अपडेट वाली कार्स हैं उनको। तो चलो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ घर पे, देन नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे अपनी गाड़ियाँ वगैरह सेल करेंगे। और हाँ गाड़ियाँ वगैरह सेल करेंगे और रेस वगैरह भी करने चलेंगे। तो चलो चल के ना पहले सो लेते हैं, और आज का प्रॉफिट कुछ नहीं है बट $40,000 जीते हैं वैसे। तो अभी वेट करते हैं सुबह होने का, एंड चलो सुबह हो चुकी है और अभी एक ऑक्शन है 11 बजे का, तो ऑक्शन में भी अभी चलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलो अभी ना ऑक्शन में चल के चेक करते हैं कि कौन सी कार लगी है, अगर अपग्रेडेड कोई कार मिलेगी तो आज हमारे पास काफ़ी कार इकट्ठी होने वाली है। तो चलो अभी ना निसान जीटी को लेकर चलते हैं, और निसान जीटी का ना मेरे को एक चीज़ ट्राई करना है, इसके ना जो स्पीड है वो बढ़ानी है मेरे को चल के, थोड़ी बहुत रेस लगाएंगे और निसान जीटी को कोशिश करेंगे कि हम 7 से 6.6 या 7 सेकंड में लेके आए हम सारी गाड़ियों से जीत के। तो चलो अभी ना यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कोई पोर्श लगी है यार, जो लग्जरी कार में है वो पोर्श है, तो पोर्श रेयर नहीं है, तुम्हें पता है कार मार्केट में भी आराम से मिल जाएगी। अभी ना अपनी कार को जल्दी से लेके चलता हूँ अपने शोरूम नहीं, देखते हैं कौन सी कार अवेलेबल है रेस सेंटर में, देन वहाँ से रेस वगैरह लगाएंगे और रेस में जीतेंगे अपनी निसान जीटी से। अगर निसान जीटी हुई तो भाई हार भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है यार अगर इसका ऐसी गाड़ी मिल जाए हमें तो। तो चलो गाइस और अभी के लिए वेट यार, अबे एक बार फिर से यहाँ पे लगी है फरारी FXX, तो भाई ये खतरनाक बात है यार, हमें एक और मौका मिल रहा है इस गाड़ी को, रेयर कार को जीतने का। रुको 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 रुको, अभी के लिए मैं अपनी गाड़ी लेने जा रहा हूँ एंड चेक करते हैं क्या हम उस कार को जीत पाएंगे, क्योंकि मैं कल एक कार जीत चुका हूँ एंड एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ इस कार को जीतने का। और ये कार जीता था मैं अपनी रेड वाली कार से जो कि मेरे को ऑप्शन से मिलेगी, तो यही वाली कार लेके चलता हूँ जिसको, मतलब जिससे हारा था, जिससे जो गाड़ी जीता था उसको नहीं लेके चलेंगे, जो बैट में लगी थी ना गाड़ी ग्रीन वाली उसको नहीं लेके चलेंगे। और मेरे से पता क्या सीन हुआ, मैं गाड़ी वगैरह जब ये गेम खेल रहा था तो मेरे से ना सुपरा का थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं सुपरा में डैमेज आया कि नहीं 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 मेरे हिसाब से फिर सुपरा में ही डैमेज आया वाला, क्योंकि सुपरा ना सीधा जाके हमारी इस वाली कार से ठुक गई थी। बट कोई बात नहीं, अभी के लिए ना जल्दी से निकलता हूँ उस रेस के लिए एंड उस रेस को करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो भाई एक बारी फिर है मौका रेयर कार्स को जीतने का। तो ठीक है अभी मैं चल के उससे बैट वगैरह लगाता हूँ, बस वो पैसों की बैट ना बोले, गाड़ी की बोलेगा देन हम लगा लेंगे आराम से ही। तो ठीक है आज को मैं फाइनली यहाँ पे एंड अभी इससे मेरे को भाई सेम है, ये ब्लैक है और तुम सबने मेरे को ब्लैक पेंट भी बोला था ना करवाएंगे, और यहाँ पे है रेस बैट इस कार। तो ठीक है भाई, और उसमें ना एक तुम्हें चीज मिलेगी, देखो हमारे हमारी कार में NOC मतलब बूस्ट पड़ी हुई है, बट इसकी कार में NOS नहीं है, मतलब बूस्ट नहीं है, इसने दिखाया है। अब ये नहीं पता इसकी कार में बूस्ट है या नहीं, बट इसने जो स्ट्रोक करा है अपने लिस्ट में उसमें तो बूस्ट नहीं है। तो चलो अभी के लिए भाई रेस स्टार्ट होने वाली है और मेरे को कोशिश करनी है पूरी तरह से इस रेस से जीतने के लिए, एंड देखो अगर इसके बाद बूस्ट नहीं है देन हमारा एडवांटेज है इस रेस को जीतने का। तो ठीक है गाइस फाइनली ले आता हूँ पहले गाड़ी स्टार्ट करने का, पहले ऑप्शन तो दे भाई, इन्होंने ऑप्शन नहीं देना, ठीक है अब दे दिया, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी मेरे को लेके चलना है सीधा इस लाइन पे एंड आराम से इस कार रेस को जीतना है, मजा आएगा भाई इस रेस में काफ़ी ज़्यादा। रुको लाइन पे ले आता हूँ एक बार, ठीक है डन।
तो अब फाइनली होने वाली है तगड़ी रेस। तो 2-1 लेट्स गो गाइस, अभी के लिए मेरे को जल्दी से चलना है और बूश मैंने ना स्टार्टिंग में मारते हैं क्योंकि इसमें बूश मारना काफी ज्यादा स्टार्टिंग में जरूरी है। तो चलो गाइस अभी के लिए जल्दी जल्दी चल लेते हैं भाई, वो कार ना हमारे काफी पीछे है, अभी ज्यादा आगे नहीं। और ठीक है फाइनली सेकंड रेयर कार मैं जीत चुका हूँ 11.3 सेकंड में। स्पीड थोड़ी बहुत कम थी मेरी पर ठीक है, उससे तो मैं जीत चुका हूँ ना स्टार्टिंग में। इसकी रेस ना काफी बढ़िया हुई और आराम से हम ये रेस जीत गया। मेरे को ये नहीं पता उसने पीछे बूश वगैरह लगाया था या नहीं, अगर लगाया होगा देन उसके चांसेस थे जीतने को। और यहाँ पे ठीक है भाई ये कार हुई हमारी फाइनली। तो चलो गाइस अभी के लिए इस कार को रेयर कार को लेके चलते हैं अपने शोरूम में। एंड अभी यहाँ पे एक बैक रैगर खड़ी है, ये कितने की लगा रही बोली 792 की। बट अभी मेरे को ना भाई काफी ज्यादा खुशी अपनी गाड़ी जीता हूँ, तो अभी चल के ना पहले शोरूम में चलते हैं देन बाद में लगाएंगे रेस वगैरह। तुम्हें पता है रेस वगैरह लगाने में हम काफी तेज हैं, दिक्कत नहीं है। बट इस बार भाई देख रहे हो तुम, एक गाड़ी पहले जीता था, एक कार्ड अब जीत गया, तो इस तरफ से दोनों गाड़ियों का प्राइस तुम लगा लो भाई कितना जाने वाला है। एक बार ना मैं चेक करूंगा इनका प्राइस लगा के। तो चलो अभी के लिए यहाँ पे ये वाली कार खड़ी है ना ठीक है, एंड मेरे को ना अभी इन गाड़ियों को करवाना है कस्टमाइज। तो चलो अभी के लिए ना यहाँ पे दो कार है मेरे पास, एक ग्रीन है देन अपना एक इंडियन फ्लैग बनाते हैं इन गाड़ियों से। भाई रेयर कार है तो बनना चाहिए वैसे। तो चलो अभी के लिए इसमें ना मैं ऑरेंज कलर करवा देता हूँ, एंड जो दूसरी वाली कार है जो अभी जीत के लाए उसमें ना व्हाइट कराएंगे, देन मस्त भाई बनेगी अपनी कार। तो ठीक है अभी के लिए इस पर व्हाइट कलर ऑरेंज कलर करवाना है मेरे को बढ़िया सा। तो चलो अभी के लिए ये रहा ऑरेंज कलर पूरा, ठीक है भाई वैसे केसरी कलर होता है बट ठीक है केसरी टाइप लगेगा उसे। तो ठीक है गाइस चलो फाइनली मैंने इस पर पेंट करवा लिया है, एंड अभी इसको लेके चलते हैं हम शोरूम के अंदर। एंड अभी अपग्रेड है, पूरी अपग्रेडेड हो चुकी है, बस इसे वॉश करना है, वो अपना वर्कर वॉश कर देगा आराम से। तो ठीक है अभी के लिए ये रही एक और कार। भाई तीन तीन रेयर कार्स है अपने पास तो दिक्कत नहीं है अपने को। तो चलो गाइस फाइनली ये कार यहाँ पे खड़ गई है, एंड अभी इसको मैं लेके चलता हूँ, इसमें वाइट कलर करवाना है एंड एक कार में करवाना है मेरे को। एक कार तो मेरी ऑलरेडी ग्रीन है, तो ठीक है अभी के लिए इसको लेके चलता हूँ, एंड इसका प्राइस वगैरह देखेंगे कितने में हमारे जो कस्टमर्स हैं उन गाड़ियों को बाय करने में आएंगे। तो चलो अभी के लिए इसको वाइट करवाना है, सिंपल भाई वाइट तो ये हो गया देखो। तो फाइनली वाइट कलर हो चुका है, इसमें ज़्यादा शाइनिंग नहीं देनी ठीक है। तो अभी के लिए इसको अपग्रेडेशन देखना है, इसमें ना NOS नहीं डाला हुआ वैसे। तो चलो अभी के लिए लेके चलता हूँ, उसे जल्दी से अपग्रेड करवाते हैं क्योंकि ये गाड़ी अभी जीत के लाए हैं। और यहाँ पे एक कार और आ चुकी है, रुको रुको यहाँ पे इस कार को छोड़ो, देन ना जो अपनी ग्रीन वाली कार है हम ना जब तक उसको लगा लेते हैं, जब तक यहाँ पे इस गाड़ी की अपग्रेडेशन हो रही है तब तक हम इस वाली कार को लगा लेते हैं। ठीक है ये रही हमारी ये कार, तो अभी ना इसको मैं जल्दी से लेके चलता हूँ। ठीक है भाई बूश वगैरह बढ़िया है, और ये वाली गाड़ियों से रेस करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब तुम मेरे को अगले वाले एपिसोड में बताना क्या है मेरे को इसका प्राइस पता करने के बाद इन गाड़ियों को सेल करना चाहिए या नहीं। वैसे हम एक रेयर शोरूम बनाने वाले हैं जल्दी, धीरे धीरे करके मेरे पास गाड़ियाँ काफ़ी कलेक्ट हो रही हैं, हम कलेक्ट करने के बाद काफ़ी अच्छी कार मार्केट बनाने वाले हैं। तो चलो अभी के लिए ऑरेंज वाली कार को ना सही तरीके से खड़ा देते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ये वाले ऑरेंज आ जाएगी, बीच में वाइट आएगा एंड देन फिर ग्रीन आएगा। ठीक है अभी फाइनली अपनी ऑरेंज कार यहाँ पे आ चुकी है, एंड अभी मेरे को ग्रीन कार को खड़ाना है। ठीक है डन, एंड यहाँ पे लेके चलते हैं भाई ग्रीन कार को, उसको भी ना वर्कर वॉश कर देगा यार साथ के साथ। थोड़ी बहुत गंदी है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम कार वगैरह वॉश खुद नहीं करते, अपना जो वर्कर है बेचारा वही वॉश कर रहा है, हम वॉश वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस फाइनली अपनी ये कार भी आ चुकी है, अभी के लिए मेरे को चलना है वाइट वाली कार को लेने, एंड वाइट वाली कार को करवाना है अपग्रेड। तो अभी वाइट वाली कार को अपग्रेड करेंगे, और अब तुम सब बताओगे तुम्हारे हाथ में सेल करनी है इन कार को या नहीं। तो चलो अभी के लिए इस कार को यहाँ लेके आते हैं, एंड अभी यहाँ पे इसको खड़ा दे, कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा ना इससे अच्छा, तब तुम्हें पता लग जाएगा। और यहाँ पे देखो NOS नहीं डाला था, इसमें बताया था ना मैंने तुम्हें इसमें बूस्ट वाली पावर नहीं डली हुई, देन हमारे जीतने के चांसेस तभी ज़्यादा बढ़े हैं। तो ठीक है अभी के लिए थोड़ा बहुत सस्पेंशन ऊपर कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर प्लेट पे अपना नाम होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये रेयर कार्स है तो नाम तो बनता ही है। तो चलो गाइस फाइनली अपनी कार आ चुकी है यहाँ पे, एंड अभी मेरे को बस इसको सेल पे लगाना है। तो ठीक है यहाँ पे ठीक है मैं सोच रहा था किट मैंने डाली या नहीं, मैं भूल गया था। तो चलो गाइस अभी के लिए जल्दी चलते हैं अपने शोरूम में से लेके, एंड इसको भी खड़ाते हैं पूरी लाइन में, से वॉश वगैरह हमारा वर्कर आराम से कर देगा, अब मज़ा आएगा और ज़्यादा अपनी गाड़ियों को सेल करने में। तो चलो गाइस अभी के लिए ना इन गाड़ियों को सेल पे लगाना है। अब तुम सोचो कितनी कितनी गाड़ियों को, मतलब कितना प्राइस इन कार का रख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीन कार हैं जो कि काफ़ी तगड़ी एंड रेयर कार्स है भाई। ये देखो वॉश वगैरह होना स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक लाइन में है ना पीछे वाली कार्स, ठीक है ग्रीन और ऑरेंज एक लाइन में है, व्हाइट वाली मैंने थोड़ी एक ब्लॉक आगे रखी है। तो चलो गाइस फाइनली इनका प्राइस वगैरह सेट करते हैं हम। तो ठीक है गाइस फाइनली टाइम है इसके प्राइस को सेट करने का। अभी इसका प्राइस मैं रखने की सोच रहा हूँ कम से कम $10 million। तुम सोच रहे हो $10 million मतलब $1 crore।
तो अब तुम लगा सकते हो भाई 1 करोड़ डॉलर, रुपीज भी नहीं भाई, डॉलर। तो ठीक है, अभी के लिए इसका प्राइस सेट करते हैं। इसका प्राइस नहीं है ना कुछ 2 मिनट, इसको मैं 3 से 3.5 मिलियन तक सेल कर सकता हूँ, बट मैं इसका प्राइस 10 मिलियन ही रखूंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा इसको कि कम से कम इस कार को मैं सेल करूँ लगभग 5 मिलियन तक। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैंने इस गाड़ी को खरीदा था 2.3 मिलियन में, एंड अभी मैं इसको रख रहा हूँ। 2 मिनट रुको, यहाँ जीरो काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जीरो ज़्यादा तो नहीं लिख दिए, और वेट भाई मैंने जीरो मेरे को लग रहा ना, तो हाँ ठीक है 1 करोड़ डॉलर। ठीक है ठीक है, तो मैंने 10 मिलियन डॉलर इसका प्राइस रखा है। सोच लो भाई 10 मिलियन डॉलर कितना होता है, क्या लगता है तुम्हें 10 मिलियन में हमारे कस्टमर ये कार लेंगे या नहीं? अभी मेरे को गाड़ियाँ बाकी की जो बची हैं, 3 पैक ड्रैगन, मतलब पैक ड्रैगन बोल रहा हूँ, जो हमारी ये फरारी FX3 है, FXX, इनको हमें रखना है 10 10 मिलियन डॉलर में। अभी मैं तीनों को ना यही प्राइस सेट कर देता हूँ, एंड देखते हैं भाई कस्टमर का क्या ऑफर है, क्या कस्टमर हमारी ये गाड़ियाँ लेंगे 10 मिलियन डॉलर में, या फिर 5 तक तो मान जाना चाहिए वैसे उन्हें। प्राइस तगड़े हैं इन गाड़ियों के, एंड हमारी कमाई भी तगड़ी हो सकती है। तो चलो, और बाकी की पीछे वाली जो गाड़ियाँ इनको लगाना है, बट ये सेल कहाँ पे आ रहा है भाई? तो ठीक है गाइस, फाइनली अभी चल रहा हूँ मैं इनका गेट ओपन करने, एंड अभी इसको सेल के लिए मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, कस्टमर का वेट करना, और एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, इनको भी ना मैं सेल पे साथ के साथ लगा ही देता हूँ, इनका फायदा ही है वैसे। तो चलो, अभी के लिए यहाँ पे गाड़ी का प्राइस नहीं है कुछ, बट जो हमारी बैक रैगर जीत के हैं वो कम से कम 1.5 लाख डॉलर की तो सेल होनी चाहिए, और एक फियात है जो कि मैं 3 लाख डॉलर में सेल करूंगा, क्योंकि ये 160 में लेके आया था। ठीक है, मैंने इसको लगाया 3,50,000 डॉलर में। एक फरारी, या फरारी को हम 5 लाख डॉलर में सेल करेंगे, डन। और एक कस्टमर आया है हमारी फरारी XX, और 2 मिनट को FXX के पास। तो चलो, अभी के लिए इससे प्राइस वगैरह पता करता हूँ, क्या ये प्राइस अच्छा बोल रही है, कितना 2.7 मिलियन डॉलर। तो ठीक है, इस गाड़ी का प्राइस इसलिए नहीं है क्योंकि इस कार को हम जीत के लाए थे, देन मैंने उसे मना कर दिया भाई, कम से कम हमें 4 मिलियन डॉलर का वो चाहिए। तो चलो, अभी के लिए ना चेक करते हैं कौन सा कस्टमर ऐसा है जो हमें देगा 4 मिलियन डॉलर इस कार के। तो चलो, अभी इससे बात करते हैं ये कितना प्राइस हमें कह रहा है, अगर पता लगता है। अच्छा, 2.6 मिलियन, नहीं, कम से कम मेरे को ज़्यादा प्राइस चाहिए, 2.6 मिलियन तो बहुत ज़्यादा कम है। तो चलो, इसको मना करके भगाते हैं। एंड अभी के लिए एक और कस्टमर आया, रुको रुको, यहाँ पे ये भी लेने आया है हमारी फरारी को। तो चलो, अब इससे मैं बात करता हूँ, कितना बोल रही है मैडम? 2.9 मिलियन तक अभी हमारा लास्ट ऑफर गया है, देखते हैं भाई 2.9 मिलियन से ऊपर कोई बढ़ेगा या फिर नहीं। और वो सर कहाँ जा रहे हैं, ऐसे पीछे वाली गाड़ियों को देखने जा रहे हैं लोग। ठीक है, इनसे बात करते हैं। ये मैडम हमारी इन कार का प्राइस क्या बोल रही है? और वो ना ग्रीन वाली गाड़ी थोड़ी सी डैमेज है, मतलब 13% डैमेज है। ठीक है भाई, ये ना बढ़िया प्राइस नहीं बोल रहे यार, इसको भी ना मैं भगाता हूँ। ये देखो 13% ना थोड़ी सी डैमेज है हमारी ग्रीन वाली कार, बट दिक्कत नहीं है कोई, अभी ना इनको भेज देता हूँ। अभी मेरे को इसका चाहिए कम से कम 3.5 मिलियन तक तो यार जाना चाहिए यार इसका प्राइस। और अभी ना पीछे काफ़ी कस्टमर कलेक्ट हो रहे हैं, 2 मिनट इनको भी ना अटेंड कर लेता हूँ एक बारी, अगर इनका ऑफर अच्छा होगा इन गाड़ियों के लिए देन इनको ना सेल कर देंगे कार। तो चलो गाइस, अभी के लिए 94,000 डॉलर कह रहा है ना, और ये सर कितना कह रहे हैं हमें बैक रैगर का प्राइस? तो अच्छा मिल रहा है वैसे, जीत के लाए हैं, और ये 88,000 रुको, इन सर को ना मैं 1,15,000 में सेल करके देखता हूँ ये कार। अगर ये कार लेते हैं सर देन फिर ठीक है, नहीं तो 1,10,000 का ऑफर तो हमारे पास है। तो चलो गाइस, अभी के लिए मैं इसे सेल कर रहा हूँ, 2 मिनट, 1,10,000 डॉलर में। ठीक है ठीक है भाई, ले ली उसने कार। एंड अभी यहाँ पे कस्टमर वगैरह आ नहीं रहे यार फरारी के लिए, फरारी रेयर कार है बट कस्टमर आने चाहिए उसके लिए। तो ठीक है, और ये कह रही है दो, ओ भाई ठीक प्राइस है यार इसका, 3 लाख में तो आराम से सेल हो जाएगी ना ये। ठीक है, मैंने 3,50,000 लगाया है, और ये 3 लाख में सेल हो जानी चाहिए, ट्राई करते हैं, अगर 3 लाख में सेल होती है देन डन, नहीं तो फिर देखते हैं भाई कितना बोलते हैं। तो ठीक है गाइस, मैंने इसको सेल करा 3,15,000 डॉलर में, और अभी हमारे पास फरारी बची है, फरारी को मेरे को सेल करना है। ये कितना बोल रहे हैं सर? 3 लाख, नहीं, रुको रुको रुको, इनसे बार्गेनिंग अच्छे से इनसे बात कर लेता हूँ। ये सर मेरे को कितना प्राइस बोल रहे हैं हमारी फरारी का, मैंने चेक कर लेता हूँ इनका प्राइस। ओ भाई 5 लाख में सेल हो जाएगी अपनी फरारी, डन। फरारी पहली बार हो रहा है कि 5 लाख में सेल हो रही है, मतलब काफी बार सेल हुई है बट बहुत कम टाइम ही। तो ठीक है गाइस, और यहाँ पे ना हमारी ये गाड़ी खड़ी है BMM N3। तो ये कार ना काफी ज्यादा तुम्हें पता है अपडेटेड है, एंड मैं चाहता हूँ इसे 1 लाख तक में सेल करना, बट ये 1 लाख तक में ना जा नहीं रही। बट ठीक है चलो, 85,000 में ट्राई कर रहा हूँ मैं सेल करने की, क्योंकि ये 72 में लाया था, 5,000 मैंने इसमें लगाए हैं, तो कम से कम 77,000 डॉलर मेरे लग चुके हैं, 5,000 का ही फायदा हुआ, 82,000 में मैंने गाड़ी को सेल कर दिया। काफी टाइम से ये गाड़ी ना सेल हो नहीं रही थी। तो चलो गाइस, फाइनली अभी इनसे बात करते हैं भाई, ये प्राइस कितना बोल रहे हैं इसका? 2.1 मिलियन, भागो भाई पहली फुर्सत में निकलो जल्दी जल्दी तुम। एंड अभी इनसे बात करते हैं ये कितना बोल रहे हैं, 2.6 मिलियन।
यार इनका ना जो प्राइस है वो बढ़िया नहीं है यार ज़्यादा, मतलब मेरे को चाहिए कम से कम 3.5 मिलियन तक इसका प्राइस, एंड 4.5 मिलियन हम पहुंचा देंगे उसको, बट ये इतना दे नहीं रहे हैं। रुको यहाँ पे कितना प्राइस है इनका, 2.9 मिलियन, ये लास्ट है 2.9 मिलियन मेरे को लग रहा है। इससे आगे ये ना प्राइस बढ़ा नहीं रहे हैं अपना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राइस अपना बढ़ाए, बट नहीं बढ़ा रहे यार ये भाई, इनका प्राइस काफ़ी कमी है। इन सर का प्राइस क्या है, 2.9 मिलियन, ये 2.9 मिलियन ही देंगे मेरे को लग रहा है भाई इस कार का, हमारी फरारी का 2.9 मिलियन ही मिल रहा है, इससे ज़्यादा ना इसका मिल नहीं रहा गाड़ी का प्राइस। तो ठीक है गाइस, अभी क्या कर सकते हैं भाई, अभी के लिए मैं इन गाड़ियों को सेल नहीं कर रहा, मैं काफ़ी रेयर कार्स और कलेक्ट करूंगा, देन अपना एक शोरूम बनाएंगे रेयर कार्स का। तो चलो इनको ना अभी यहाँ से हटा देता हूँ भाई, नोट 4 सेल पे लगा देते हैं। ठीक है भाई, इनका प्राइस ना काफ़ी बढ़िया मेरे को मिल नहीं रहा, जितने में लाया था ना उनका ही प्राइस मिल रहा। तो चलो गाइस, इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सबको एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।